फैमिली कैसे आप सब आई वॉच यूट माही ब्लॉग्स में आपको फिर स्वागत है। तो गाइस मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लोरिया पेरिस का सीरम लेके आई हूँ। तो गाइस ये सीरम इतना अच्छा मैं आप क्या बताऊँ कि मैं यूज़ करने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हो गया था और पिंपल्स हो गया था, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैं ये काम किया है ये लोरिया पेरिस सीरम। तो गाइस मैंने इसलिए आप लोगों को मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कैसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप भी परचेज जरूर करिएगा और आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं अपने अब आपके सामने अब मैं दिखाने जा रही हूँ उसका रिव्यू। तो गाइस ये डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है ये। तो गाइस कुछ ये कुछ इस तरह रेनी जैसे कुछ ऐसा वाटर वेस जैसे है ये, क्योंकि आप फेस पे लगाएंगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि आपने फेस पे कुछ सीरम अप्लाई किया है ना। इतना अच्छा गाइस मैं आपको क्या बताऊँ कितना अच्छा ये है लोरिया पेरिस का सीरम। तो आप इस पे तो ऑली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, ऑली स्किन को भी भैया अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिसका ऑली स्किन है बेफिक्र यूज़ कर सकते हैं ऑली स्किन लोग। तो मैं आपके सामने थोड़ा यूज़ करके जरूर दिखाऊँगी कि आप कैसा है, तो मैं थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा है। तो गाइस बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हम लोग सीरम लगा रहे हैं, इतना अच्छा मुझे लगा मेरे से क्यों ना आपको मैं शेयर कर दूं। तो मैं गोवा गई थी गाइस, तो मेरा पिंपल्स निकल गया था, तो मैंने इसको यूज़ किया 7 दिन, तो मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला इसका, रिजल्ट अच्छा मिला। तो गाइस मेरा यहाँ कुछ ज़्यादा ही मेरा पिंपल्स निकल गया था, तो मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। गाइस देखिए कितने लिए इसको जॉब कर लिया मेरे फेस पर फटाक से। तो गाइस मुझे ये सीरम बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा सीरम कैसा लगा ये वाला। तो बाय।